दोस्तों आप देख रहे हो मेरे सामने अब ऊंची ऊंची इमारतें आनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अब हम दिल्ली के आसपास आ चुके हैं और आसमान बिल्कुल साफ है और रोड पे जो है ट्रैफिक चल रहा है धीरे धीरे करके। और अब हम सोनीपत से आगे ईस्टर्न पेरिफेयर पे आ चुके हैं और अब हम यहाँ से जाएंगे नोएडा के लिए। ग्रेटर नोएडा से हमने यहाँ से अब लेना है यमुना एक्सप्रेस वे। और जैसा कि आप सभी को पता है किसान आंदोलन की वजह से जो है दिल्ली का बॉर्डर सील है पूरी तरीके से, और अगर हम दिल्ली में जाते तो ट्रैफिक जाम की वजह से और किसान आंदोलन की वजह से हमारा काफ़ी समय लगता, लेकिन हमने ये अलग से रास्ता लिया है। इस रास्ते से हम जो है अब सीधे जो है हम ग्रेटर नोएडा जाएंगे, बिल्कुल हैजर्ड फ्री है ये भी रास्ता हमारा। और दोस्तों ये शॉर्टकट भी है, अगर आपने आगरा जाना है, मथुरा वृंदावन की तरफ जाना है या आपने लखनऊ की तरफ जाना है तो आप दिल्ली होकर के ना जाएं, आप जो है यहीं से सोनीपत से जस्ट 10 से 12 किलोमीटर आगे लेफ्ट साइड में लें और ये सीधा रास्ता आपको लेके जाएगा। वैसे तो ये आपको लेके जाएगा ग्रेटर नोएडा से आगे पलवल तक, पलवल से आकर के ये जो रास्ता बना हुआ है ये हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन तीनों ही राज्यों की सीमा को बांटता है ये, और ये दिल्ली के चारों तरफ से घूम जाता है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे सामने लिखा हुआ है ईस्टर्न पेरिफेयर एक्सप्रेसवे आपका स्वागत करता है दोस्तों। और अब हम इस पर जो है चलेंगे, और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी लगभग सप्ताह पहले ही इस रोड पर जो है बाइक को बैन किया गया था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो इस रोड पर बाइक चल रही है। और मुझे भी न्यूज़ के माध्यम से पता लगा था कि इस रोड पे जो है बाइक बंद कर दी गई है, टू व्हीलर के लिए ये रास्ता सेफ नहीं है। रीज़न ये होता है कि एक्सीडेंट काफ़ी हो जाते हैं टू व्हीलर जो है, कि स्पीड जो है कम भी होती है और ज़्यादा भी होती है, और गाड़ियाँ कई बार जो है टू व्हीलर को रौंदते हुए चली जाती हैं, जिससे बचने के लिए शायद प्रशासन ने ये निर्णय लिया है और इस रोड पर जो है बाइकें बंद कर दी गई हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा जो रोड है इस पर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक देशभक्ति की भावना भी आती है, क्योंकि इस रास्ते पर हमें रास्ते में कहीं जगह हमें भारत देश का झंडा, भारत को लेकर के कई सारी बातें, आपको लगेगा कि आप एक डेवलप कंट्री में हो। इस प्रकार का ये रोड है आपका, इस रोड के दोनों तरफ जो है बड़ी खूबसूरत हरियाली है और दोनों ही तरफ जो है गगनचुंबी इमारतें बनी हुई है दोस्तों। और एक मज़े की बात बता दूं दोस्तों, इसी सड़क का जो उद्घाटन है हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पहला उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो यही रोड है। इस रोड का जो उद्घाटन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, और उद्घाटन के कुछ समय बाद ही जो है ये, अब इसकी नेगेटिव बात भी बता दूं तो उद्घाटन के लगभग 2 से 3 महीने बाद ही इस सड़क के एक तरफ की सड़क जो है धस गई थी, उसको रिपेयर किया गया था। और इस रोड पर जो है टोल टैक्स है, और दोस्तों जब भी आप इस रोड पर आए तो एक चीज़ का ध्यान रखें, अपने खाने पीने का सामान या पानी साथ लेकर के चले, क्योंकि लगभग 100 से ज़्यादा किलोमीटर लंबा ये रोड है और इस पे बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि बहुत कम दुकानें या ढाबे या कोई भी पानी या खाने पीने का सामान आपको बहुत कम मिलेगा। इस रोड पे सिर्फ आपको मिलेंगे तो ये चीज़ें कि आपको भारतवासी होने पर गर्व है। अभी सामने कुछ और आ रहा है कि उस पर लिखा हुआ है सौर्य ऊर्जित एक्सप्रेस वे, सोलर पावर ऑन एंटायर एक्सप्रेस वे। जी हाँ दोस्तों, ये एक और नई बात मुझे भी पता लगी है और मैं आपको भी साझा करूंगा कि ये जो एक्सप्रेसवे है इस पे जो है पूरे पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, यानी कि इस पे जो भी लाइट रात को पड़ती है या जितने भी इसमें इंडिकेटर लगे हुए हैं, जितनी भी लाइटें लगी है, वो सभी की सभी जो है सोलर एनर्जी पे बेस हैं। तो दोस्तों अब टोल टैक्स आया है तो दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत यहाँ का टोल टैक्स है, आप देखोगे मेरे सामने अभी ये टोल टैक्स है दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कहीं विदेश में हो। ऐसे टोल टैक्स हमने अक्सर फिल्मों में देखे थे जहाँ पे एक्शन सीन किए जाते थे, लेकिन अब जो है
इस प्रकार के जो टोल टैक्स है वो आप अपने देश में भी देख सकते हो। और देखो मेरे सामने जो है अभी हम टोल टैक्स से गुजरेंगे, हालांकि हमारी गाड़ी पे फास्ट टैक्स है तो हमें हम रुकेंगे तो यहाँ पे नहीं ज़्यादा देर के लिए, लेकिन आप टोल टैक्स देखिए दोस्तों, बिल्कुल नायाब है। और भारत में ऐसे बहुत कम टोल टैक्स हैं, इतने आलीशान और इतने खूबसूरत। हम आपको सीधा दिखा रहे हैं दोस्तों, और कुछ ही देर में आप जो है हमसे जुड़ेंगे। और अब ये टोल टैक्स पे हम आ गए हैं, और ये है टोल कर्मी, और ये हमारा टोल टैक्स कट चुका है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं किया कि इतना हमारा टोल कटा है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको ऐसे ही आगे और वीडियो अपडेट देते रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारा जितना भी ये सफ़र रहेगा इसकी पूरी अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा, और सफ़र में हम कहाँ कहाँ रुकेंगे, क्या क्या खास चीज़ें हम देखेंगे, ये सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इस रोड पर जो है ज़्यादातर ट्रक आपको देखने को मिलेंगे, और खाने पीने की देख लो दोस्तों, अभी तक हमें कोई भी दुकान या कोई ढाबा या कोई ठेला अभी तक हमें नहीं मिला है, और ना ही मेरे ख्याल से इस पर अलाउड है, और है भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं इस पर बाइक से भी 2-3 बार आ चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, जल्दी आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सेफ राइड, हार राइड।